हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना आफ्टर इफ्तार रूटीन। तो सबसे पहले मैं अभी इफ्तार कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया अपने शॉर्ट्स वीडियो पे और अपलोड भी कर दी हूँ, आप लोग देख लेना। और यही ड्रेस मैंने पहन के किया था, आज ही का वीडियो था। सो उसी में मैं दिखाने वाली हूँ आफ्टर इफ्तार रूटीन। सो सबसे पहले तो अभी मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, तो इसलिए मैं जस्ट घूम रही हूँ। और यहाँ पे देखो कौन है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना बाल खोल रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो। अभी तक ये अपना बाल भी नहीं खोली और मैं तो फ्रेश एकदम, स्कूल तो गई ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं था आज। और फिर नहा भी चुकी और देखो पूरा बाल मेरा। मैं फ्रेंड्स हमेशा स्कूल जाती हूँ बट ये लड़की नहीं जाती है। मेरा छुट्टी था स्कूल फ्रेंड्स और मुझे मन भी नहीं था, वैसे भी छुट्टी था। और आज ही मैंने अपना व्लॉग भी डाला है, मिनी व्लॉग। तो उसमें मैंने दिखाया कि मैं नहाई हूँ और यही ड्रेस में। मैंने अभी इससे पहले इफ्तार से पहले वो मिनी व्लॉग बनाया, अभी इफ्तार के बाद लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। तुम चोटी क्यों नहीं खोलती हो स्कूल का? तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कि मेरा चोटी खुला में अच्छा लगता है या ऐसे बंद में। ये भी कोई कमेंट ये भी कोई बनाने का चीज़ है फ्रेंड, बताओ। कुछ भी बोलती है यहाँ पे। और अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। और यहाँ पे देखो बच्चे लोग होमवर्क कर रहे हैं, ये दोनों देखो, ये दोनों होमवर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैम है ना, वो इन लोगों को अरबी पढ़ाती है, मतलब थोड़ा बहुत देख देती है बस, तो उन्हीं उसी का होमवर्क कर रहे हैं। अभी इसने बहुत मारा, मैंने लिया नहीं वीडियो क्योंकि मना कर रहे थे वो लोग, आए थे ना इन लोग। सो देखो, और बस जस्ट अभी मैं बैठ रही हूँ, मेरा वीडियो भी अपलोड हो गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो वीडियो का लिंक, आप लोग देख लेना मिनी व्लॉग का। ओके सो कुछ बोलो। मैं यही बोल रही हूँ कि इसके प्लीज़ इसके वीडियो पे लाइक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैं बाल खोल रही हूँ। और कमेंट में बताना, इतना ही क्या मतलब, ये बोली ना कि कमेंट में बताना मैं बिना चोटी का अच्छी दिखती हूँ। चोटी का मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो फ्रेंड्स सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो आप बताना कि ये इस साइड वाला बाल अच्छा लग रहा है या इस साइड वाला। मुझे तो इस साइड वाला खुला बाल अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे खुला बाल बहुत रखना पसंद है अपना। और बस मैं अभी बैठ रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। वैसे तो एग्ज़ाम अभी था नहीं, ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि न्यू क्लास में जा चुके हैं। अभी बुक्स भी नहीं ली हूँ मैं, इसलिए पढ़ाई तो चल ही नहीं रहा है। तो बस हाँ, बट एक रूटीन हम लोग का बहुत ही फाइनल, जो कि हम लोग आजकल बहुत ही करने लगे इफ्तार के बाद, वो है बैडमिंटन खेलना। मतलब हम लोग का रेगुलर हो गया, मतलब इफ्तार करते हैं उसके बाद हम लोग को बैडमिंटन खेलना ही है, ये एक हमारा रूटीन हो गया है। बात करते करते फ्रेंड्स देखो साइमन का पूरा बाल खुल चुका है, अब हम लोग दोनों खोल चुके हैं बाल बिल्कुल भी। अब अच्छी दिख रही हो ना, आप लोग भी बताना आप लोगों के भी मेरे जैसा इसका खुला हुआ बाल का लुक पसंद है ना। मुझे भी मतलब चोटी में यार, दो चोटी में कौन ही अच्छा दिखता है ना। मैं तो अच्छी दिखती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं आयता नैन लोग न्यू क्लास में जा चुके हैं वन क्लास में, और दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। दोनों अपने अपने सेक्शन में सेकेंड डिविज़न हुए थे क्योंकि अच्छा पढ़ते वो लोग। तो अभी मैंने जस्ट बुक कवर किया इन लोगों का, देखो कितना परफेक्ट बुक कवर की हूँ मैं। अभी भी कुछ बुक्स बाकी है लेकिन, बट मैंने बोला कि अब थोड़ा देर बात करूँगी बस, अब मुझसे नहीं होगा। बहुत सारा बुक्स था फ्रेंड्स अभी लोग, अब पहले 4 बुक्स था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आयत का भी मैं की, अनैन का भी, अभी कॉपी बहुत सारा बाकी है दोनों का, बस मैं थक गई। मैंने बोला अब बाद में कर दूँगी। फ्रेंड्स आप लोगों को जैसे कि पता है कि रमज़ान चल रहा है, सो मैंने तो रोज़ा रखा था, आप लोगों ने रखा रोज़ा ज़रूर बताना। और कैसा चल रहा है आप लोगों को का रोज़ा? आज तो 16th रमज़ान है और 15th रमज़ान बहुत अच्छे से पार हुआ था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम था, बट आज से बहुत ही ज़्यादा धूप हो गया है। सो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है रमज़ान रोज़ा रखना। तो मैंने तो आज रखा था, आप लोगों ने रखा था कि नहीं बताना। ओके फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि व्हाट टाइप्स का चैलेंज करूं, जैसे कि लिविंग इन रूम फॉर 24 आवर्स। अगर आप लोग कोई चैलेंज सजेस्ट करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना प्लीज़, मुझे चैलेंज करना है, मुझे बहुत पसंद है चैलेंज करना। कोई सा भी आप चैलेंज बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी करने का। ओके जैसे कि 24 आवर्स लिविंग इन रूम, 24 आवर्स लिविंग इन बेड, कुछ भी मतलब मैं ज़रूर करूँगी उसको। ओके शूट, बस आप लोग कमेंट में बताना, सजेशन देना, वरना फिर आप लोग नहीं दिए तो मुझे खुद से कुछ भी बनाना पड़ेगा। और ये मैडम देखो अब जाके इसका बाल बन रहा है फ्रेंड्स, मैं ये इसका बात सुनते सुनते देख सकते हैं मेरा बाल बन गया है। और मैं अपना बात आप लोगों को बताते बताते इसका बाल बन गया है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा अपना बाल बांध के रहती हूँ, और अभी ये एक साल पहले टकली हुई थी बिल्कुल बिल्कुल इसके सर पे बाल नहीं था। तो देखो तो फ्रेंड्स आप
छोड़ो, तो आप कमेंट करके बताना कि आप लॉकडाउन में टकले हुए थे कि नहीं। मैं तो हुई थी, ये इसका बाल थोड़ा छोटा छोटा। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया एक मनी प्लांट जो कि कर्टेंस के ऊपर लगा, आप लोगों को दिख रहा होगा मे बी। सो बॉटल के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे लगता था मनी प्लांट, वाओ मनी मतलब उससे पैसा निकलता है। मैं लिटरली 4-5 साल की थी उस टाइम, तो मुझे ऐसा लगता था। मैंने बोला फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ओके सो सबसे पहले ऑफ़ कर दें अगर लाइट्स। ओके लाइट्स ऑफ हो गया है, अभी मैं आपको दिख ही नहीं रही होंगी। ओके सो देखो 1 2 3 देखो इससे इतना सुंदर लाइट जलता है ना, आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अभी देखो फ्रेंड्स ये लाइट जल रहा है, अभी हम लोगों ने न्यू ही लिया है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था जब हम लोगों ने रात को वहाँ पे शॉप से लिया था, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट जल रहा था। बट अभी मैंने जब आपको लाइट ऑफ करके दिखाया तो मेरा पोपट हो गया बिल्कुल, एकदम अजीब दिख रहा था ना। बट अब देखो सुंदर दिख रहा है, तो इसे ऑफ कर देते हैं और चलते हैं, देखते क्या कर रही है ये लोग। और इसे क्यों देखो हुआ? ये पता है हमेशा डांटते रहती है बच्चों को पता। मैंने अभी सारा से मोबाइल लिया और आप कमेंट करके बताना कि आप रमज़ान में कुरान कितने पारा तक पढ़े हो। मैं तो अभी 6 ही पारा तक पढ़ी हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड सारा ये क्या कर रही है। अरे यार मैं अपने बाल देख रही थी, मैंने जो आज वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया कि मुझे अपना बाल सुखाना बहुत पसंद है। प्लीज़ आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। यार देखो कैसे शूट करी, मतलब ऐसे 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 ऐसे। फ्रेंड्स मैं एक यूट्यूबर का देखती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देखो अगर ये ऐसे फोन पकड़ेगी तो मैं आपको दिखूंगी ना, इसलिए मुझे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, हम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है जिसका नाम है अमन डांसर रियल, मैं उसका बहुत सारी वीडियो देखी हूँ। तो आपका फेवरेट है? हाँ आपका अगर फेवरेट। तो फ्रेंड्स देखो एक क्यूटी आई है, मैंने इसे अपने फर्स्ट रमजान की वीडियो में दिखाया था। देखो क्यूटी सी, और ये चलने सीख गई है, पता है आपको। अब खड़े करके दिखा दो इसे, देखो ये खड़े हो जाती है। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत क्यूट है, हमारे घर के सबसे सुंदर बच्ची है, देख सकते हैं। सबसे सुंदर नहीं, सबसे छोटी बच्ची भी, और सबसे सुंदर भी बच्ची भी है, सबसे छोटी है देखो। और ये हम आप लोग बताने की फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने। देखो बैडमिंटन खेल जा रहे हैं, इतना शोर हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे। हाँ अरे अरे अभी हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने, चलो आपको भी दिखा। देखो ये मुझे बुला के बैडमिंटन खेलने के लिए अपने वॉशरूम चली गई है। और आजकल हम आयत को भी साइकिल सिखाते हैं क्योंकि वो सीख रही है, अभी नहीं जानती है। सो थोड़ा देर बैडमिंटन खेलते हैं, फिर आयत को साइकिल सिखाते हैं। हम लोग आ गए बैडमिंटन लेके अपना खेलने के लिए। हम लोग फर्स्ट रमज़ान का जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यहीं पर खेला था, और वहाँ पर चैलेंज था कि कौन जीतता है, तो उसमें विनर मैं हुई थी। तो अभी भी मैं जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने, सो आपको दिखाती हूँ, चलो मिलती हुई आप लोगों से खेलने के बाद। ओके फ्रेंड्स हम लोग आ गए खेल के, और अभी मैं जस्ट खेल के आई हूँ और साइमन के घर पे आ गई हूँ। देखो अभी इन लोगों का फिनिशिंग नहीं हुआ है, बट कुछ महीनों बाद होगा। बट बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स अगर आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलने जानते हो या आपका कोई भी गेम आपका फेवरेट है तो आप कमेंट करके बताना। इसको सिर्फ कमेंट का टेंशन रहता है, सिर्फ कमेंट करके बताना, क्योंकि फ्रेंड्स चुप, क्योंकि फ्रेंड्स ना इसके व्यूज़, मुझे अगर इसके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और ख़ास करके जिस वीडियो में मैं रहती हूँ इसलिए। ओ समझ रहे हो ना। हाँ फ्रेंड्स जिस वीडियो में, वैसे तो मेरा बहुत कम ही कमेंट ऑन रहता है क्योंकि ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जब जब ऑन रहता है प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, प्लीज़ मुझे आप लोगों से बात करना रहता है। मैं आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, प्लीज़ मैसेज किया करो कमेंट में। ओके सो मैं आप लोगों से बात करूँगी और रिप्लाई भी दूँगी। हम लोग बहुत थक गए फ्रेंड, जैसे ही मैं घुसी फिर हम लोग कैमरा ले लिए। करी हम लोग गेम खेलने वाले हैं, एक पानी मछली में गई छपाक छपाक। ओके सो ये फर्स्ट टाइम हम लोग खेलने वाले हैं। ओके सो ये देखो पागल, इसको भगाओ एकदम यहाँ से। सो हम लोग ये फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, तो वो इसलिए मीन एक मछली, मतलब गलत मैंने बोला था, एक मछली पानी में गई छपाक छपाक छपाक। तो फिक्स कर लेते हैं ट्राइपॉड में अपना कैमरा पहले, चलो स्टार्ट करते। ओके एक मछली पानी में गई छपाक छपा।
गलत हो गया। अरे तो जवाब जवाब तो नहीं, देखो फ्रेंड्स एक में तो एक ही बार बोलते हैं ना, ये डबल बोल दी तो ओ, दो में दो बार छपक छपक। ओ ठीक है ठीक है, चलो एक मछली पानी में गई छपक, दो मछली, दो मछली पानी में, दो मछली तुम दो बार क्यों बोली? नहीं खेलेंगे अभी ये गेम, नहीं खेलेंगे, बहुत बोरिंग एकदम फालतू गेम है। मुझे फ्रेंड्स नहीं सक्रिय इसलिए बोल रही है, आप समझ रहे हो ना इससे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं इस गेम की बहुत अच्छी मतलब की है हूँ और मैं ये गेम फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो ना। सो ऐसे ही हम लोग अफ्तार के बाद अपना टाइम कुछ स्पेंड करते हैं, मतलब ऐसे ही कॉमेडी करके हम लोग अपना कुछ करते हैं, और कभी कभी ब्लॉग का काम रहता है, फिर कभी कभी तो सिर्फ बैडमिंटन ही खेलने में पूरा टाइम पार हो जाता है। अभी भी हम लोग खेलते ही, बट हम लोग को वीडियो बनाना था तो हम लोग जल्दी आ गए हैं आपके लिए। वीडियो भी तो बनाना था फ्रेंड्स, और आप लोग लाइक ही नहीं करते हो फ्रेंड्स, और इतनी मेहनत करती हूं करो प्लीज। व्यूज तो ऐसा जाता है जैसे कि जैसे 8 मिनट का वीडियो हो तो उसमें 6-7 व्यूज जाता है, अब मुझे इतना गुस्सा आता है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मेरा व्यूज इतना अच्छा नहीं जाता था, लेकिन अभी ठीक जा रहा है, ठीक ठाक वैसा ठीक ठाक नहीं कि 1 घंटे में मेरा हो गया 70-80, 1 महीने डालू अगर 100 हो गया तो बहुत बड़ा बात है। हाँ बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग शेयर भी करा करो और वीडियो पूरा प्लीज़ 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 देखा करो। सो अभी टाइम हो गया 9 बज चुके हैं, हम लोगों ने इतना गेम खेला, और कोई गेम खेलना है क्या फ्रेंड्स? SOS खेलोगी? नहीं अब हम बहुत थक गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बोर हो गए हैं। सो प्लीज क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए चाहिए कि कुछ ना कुछ तो खेला चाहिए जैसे। और अभी मम्मी लोग है भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी अरे चुप रहो, OX खेलते हैं। OX? हाँ जो ऐसे 3 डब्बा रहता है जो OX ओ क्रॉस वाला। यस तो हम मैं बना रही हूँ तो तुम बैठो। नहीं 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 कुछ बोलने वाले खेलते हैं ना। चलो जैसे कि मैं बोलूँगी वेजिटेबल, मैं बोलूँगी कुछ खाने में, जैसे मैंने बोला पाव भाजी तो तुम बोला पाव भाजी और अपना कुछ फेवरेट। नहीं छोड़ दो मत। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलती हूँ जैसे एक फूड, पाव भाजी। वेजिटेबल मत बोलो। हाँ फूड का बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा याद रहता है ना। पाव भाजी, चाउमीन, पाव भाजी चाउमीन। हाँ चाउमीन, पाव भाजी, पानीपुरी, पाव भाजी। हाँ तो क्या था? पाव भाजी, चाउमीन, मोमोज और इडली। पाव भाजी, चाउमीन, मोमोज, इडली एंड डोसा। पाव भाजी, मोमोज, चाउमीन, इडली, डोसा, दाल चावल। पाव भाजी, चाउमीन, इडली, पाव भाजी, चाउमीन, मोमोज, इडली, डोसा, हो गया, चिल्ली पटैटोस और दाल चावल। कौन बोलेगा आउट फ्रेंड्स? ये आउट हो गई है। तो बस अभी कैसे चिल्ली पटैटोस? तो फ्रेंड्स तो फिर इसने फ्रेंड्स दाल चावल तो नहीं ना बोला। अरे हाँ तो अभी ये गेम को ऑफ करते हैं, अब चलते हैं दूसरा, दिखाती मैं आपको क्या कर। सो जैसे ही मेरा 300 सब्सक्राइबर होगा या 500, जल्दी जल्दी आप लोग करवा दो, जैसे ही होगा तो मैं Q&A रखूँगी, तो उस टाइम मैं कमेटी पोस्ट कर दूँगी कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहना। सो मैं उसके लिए बनाऊँगी Q&A, तो उसमें आप चाहते हो कि साइमन भी रहे तो साइमन भी रहेगी, और हम लोग Q&A का मैं सब आंसर दूँगी। ओके सब आंसर दूंगी क्वेश्चंस का आप लोग, तो फिर जल्दी जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करा दो, 500 सब्सक्राइबर करा दो फ्रेंड्स जल्दी से प्लीज़, फिर मैं Q&A ज़रूर बनाऊंगी। फ्रेंड्स सारा मेरा ID यूट्यूब चैनल लिंक दे देना। हाँ मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन में, आप लोगों को दिख रहा होगा फरहाना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ये ड्राइंग करती है, और इसे सपोर्ट करो प्लीज़, पहले मुझे भी थोड़ा सा कर दो। और आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ID, तो आप लोग जाके सर्च कर लेना। ओके हाँ तो चलो पहले मैं रील बना लेती हूँ अपना। फाइनली 8 ट्रायल के बाद थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक वाला बन गया वो वाला सॉन्ग भी, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं बना है बट ठीक ठाक बन गया, काम चला। और ये हमारी है कैमरामैन जो कि हमेशा मेरे पीछे रहती है कुछ कुछ में, बाकी कुछ कुछ में। और ये बच्चा जो आपको दिख रहा है ना, हाँ तो ये सॉन्ग प्ले कर रहा था। तो थैंक यू सो मच गाइस, बट वो वीडियो का आप लोग लाइक ज़रूर करना। ओके सो अब मुझे लगता है कि मुझे ब्लॉग अपना यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बस बहुत हो गया है और अब 10:30 बज चुका है फ्रेंड्स, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो रुको रुको एक लड़की को बुलाने दो, साइमन आ रही है, आओ साइमन जल्दी आओ ना।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने गेम खेला, अभी वीडियो शूट करा, फिर बैडमिंटन खेलने गए हुए थे, फिर अभी नीचे आप लोगों को दिखाया। मतलब बहुत लंबा हो गया ये वीडियो मुझे लगता है ऐसा, अब तो वो एडिट करने के टाइम ही पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने इतने दूर तक देखा, थैंक यू सो मच। और जाते वक्त लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर ओके प्लीज करना। देखो कितना मेहनत लगता है, यहाँ पे ट्राइपॉड भी रखा हुआ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।